जी असल नाजरीन वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोस ब्राइट शेडोज़ में आज हमारे मेहमान मिडिल से तरीफ लाए हैं चनाबाश गारिद साहब सी ई हैं ए टी एच कैट लाइन के आइए मिलते हैं असल वालेकाम सर से पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आई थिंक आपको दो दिन ही हुए हैं कराची में और मैंने आपको यहाँ पर जहमत दे दी थैंक यू वेरी मच फॉर सर बहुत शुक्रिया अच्छा मुझे आई वॉन्ट टू नो अबाउट यूर फार्म अबाउट योर सेफ आप भी मेरी तरह एक फैलो चार्ट अकाउंटेंट है राइट एंड यू आर डूंग योर ऑन कंसल्टेंसी एंड ऑड फर्म ठीक है तो ये थोड़ा बताइए कि किस तरह से आपने इस तरफ सोचा पाकिस्तान से जब आप गए तो मिडल ईस्ट में कैसे क्या हालात थे पहले आपने वहाँ पे क्या चीज़ें की एंड दैन उसके बाद आपने अपनी फर्म बताई और बनाई और ख़ासतौर पर अभी जो मैंने जो आपके रिसेंट पोस्ट वगैरह देखे हैं यू आर वर्किंग ऑन फ्री लासिंग थिंग प्रो वायर Correct. So, before coming to freelancing and provider, I just want to know about yourself and how you ended up with uh, this, these ideas. Um, uh, Shahzad, uh, it's a long story. Uh, I'm an old uh, folk now. In huh. uh, 1998, mein shuru accountancy. Um, I was the first one huh. in my entire family huh. to, to go out and do professional education. Huh. Uh, mashallah, things worked out in my favor. In 1998, mein join joined.

Um, i sort of worked through my sort of ranks in the organization, mohapat um, quality assurance, leader bana, mashallah, when i'd sort of been there, done that, i wanted to come back to uh, the region. middle east always inspired me because i used to work in bahrain. so uh, i came back uh, in 2012, became partner at BDO. BDO was the third largest firm in, uh, in bahrain. Hmm. and they were managing qatar and oman also. it was a mixed plate uh, okay. organization.

तो साथ में करते करते तीन साल हुए दो हजार पंद्रह मेंई ओन माई यंगर ब्रदर यासिर गो चार्ट अकाउंटेंट मैनेज मीटिंस मीजनेट बाहर लेकर आया उसको ए टी एस गाइडलाइन हमने वहाँ पर शुरू किया माशा थिंग्स वर्क आउट इन आवर फेवर देवर हार्ड टाइम्स इन बिटवीन But 2017, when the VAT came in, we managed to click it. Then dubai made a good setup Banaya ATH Guideline continued to grow. Fast forward, I left BDO in 2020, joined uh, ATH Guideline. Now we have last year. So Yaser the ATH Guideline. Yeah, Yaser was the first अच्छा. person to start. Okay. And um, I joined later on. Okay. I was working behind the scenes. Okay. Um, uh -huh. and I'll tell you about that also uh -huh. while we're uh -huh. talking that uh -huh. how you want to

टेक्नोलॉजी प्लेंग बिग रोल मुझे लगता है कि ये और ज्यादा होगा oh. uh, तो टेक्नोलॉजी के बगैर अगर आपने कहीं से भी कोई काम करने की कोशिश कीप तो oh. 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 आप पैसे कमाते रहोगे बट oh. मुझे लगता है कि impact, is, is के उसके बगैर काम होना नहीं है तो मुझे लग रहा है ये चेंज है और माइंड okay. सेट का चेंज भी आ रहा है oh. लोगों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एटलीस्ट ड्रास्टिकली अच्छा मैंने रिसेंटली अभी जब आई केफ के इलेक्शन हुए थे तो कुछ डेटा देखा था कि हमारे कोई एटी फाइव परसेंट लोग जो हैं वो जॉब करते हैं और पंद्रह परसेंट लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं मैं पाकिस्तानी चार्ट अकाउंटेंस की बात कर रहा हूँ मेरा नहीं ख्याल के बीस साल पहले ये नंबर होंगे मुझे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस पर नजर आते थे आ, तो इसका मतलब जो जो नए लोग आए जो आ, क्या कहेंगे मिलेनियल्स कहेंगे मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द पीपल तो वो आगे जॉब की तरफ ज़्यादा था ठीक है जिस वजह से एटी फाइव परसेंट हो गया ना और अगर आप यंग का रेशियो भी देखें जो यंग चार्ट अकाउंटेंट्स हैं मोर देन नाउ जो पुराने जो सीनियर चार्ट अकाउंटेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कह रहा हो कि नौ में से जो बड़ा नंबर होगा ना कोई पाँच छः हज़ार का वो यंग चार्ड अकाउंटेंट्स होंगे तो क्या okay. तीन हज़ार होंगे जो कि वो भी मेरा ख्याल है उसमें भी बहुत सारे फोटीज़ में ही होंगे तो पुराने hmm. और पुराने तो और भी कम है तो ये यंगर लॉट है वो ज़्यादातर जॉब की तरफ जाती है पाकिस्तानी चार्ड अकाउंटेंट्स जबकि मुझे जो बाकी नंबर्स में देखता हूँ हाँ खासतौर पर अगर हम यू के चार्ट अकाउंटेंट्स देखें या दुनिया भर के और देखें तो मुझे लगता है वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं ऑलमोस्ट कोई यू का आई का रेशियो कोई अराउंड फिफ्टी फिफ्टी है

वहाँ पे क्या है मैंटोशिप है यू गेट अ वाइडर व्यू ऑफ द कैनवस अभी यहाँ पे क्या है आपको सिर्फ बताया जाता है आप नौकरी कर रहे हो उसके बाद आपने आर्टिकल शिप कर रहे हो दैट्स ऑल्सो जॉब यू आर डूइंग वो कैनवस जो है ना वो बड़ा होता ही नहीं है वो वहाँ पे उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ग्रास रूट लेवल से एजुकेशन पे एजुकेशन में आपको अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि यू गॉट मल्टीपल ऑप्शन अब जितने जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी सोशल मीडिया इज़ फॉस्टरिंग पीपल आर फाइंडिंग आउट देर आर अदर मीन्स ऑफ अर्निंग मनी ऑल्सो मुझे लग रहा है ये माइंड सेट चेंज जो वहाँ पर पहले से था अभी आपकी मैंटरशिप के प्रोग्राम ले लें या एक प्रॉपर असाइंड टारगेटेड एजुकेशनल के प्रोग्राम देख लें वो बहुत कम है जहाँ पे लोगों को पता चले और लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम uh, में ये बिल्टन किया जा रहा है कि पता तो चले कि यार मैं आस पास की दुनिया पर क्या इंपैक्ट क्रिएट करता हूँ मुझे याद पड़ता है जब मैं सी ए बना था शायद मेरी अवेयरनेस का प्रॉब्लम था मेरे आसपास के लोगों का प्रॉब्लम था मुझे लेकिन नहीं पता था कि व्हाट अदर फैक्टर्स अराउंड में हाउ देर ऑपरेटिंग हॉस्पिटल कैसे चलता है पुलिस कैसे वर्क करती है कम्युनिटी सर्विस क्या होती है पॉलिटिक्स क्या होती है सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है मुझे नहीं पता था आई नीड टू आई यूज़ टू नो मैं जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ खाना खा रहा हूँ बैठ रहा हूँ दोस्तों के साथ फैमिली में बातें कर रहा हूँ एंड कमिंग बैक टू डू वर्क तो वाइडर इम्पैक्ट नहीं था जब आपके नॉलेज बेस खुला है चूँकि आपने नॉलेज बेस की बात की देखे सी ए एक चार अकाउंटेंट है ऑर्डिट फॉर्म में इवन जब वो आर्टिकरशिप में भी होता है तो वो जब बिजनेस में जाता है तो सारी चीज़ें तो उसके सामने होती हैं देखे ना जो सी एफ ओ भी है उसके सामने पूरी कंपनी का पिक्चर होता है तो चार अकाउंटेंट तो पहला बंदा होना चाहिए जो उसके पास सबसे ज्यादा बिजनेस नॉलेज हो क्योंकि वो सारी चीज़ें देख रहे हैं ना तो या तो वो सारी चीज़ें देखते हुए भी सिर्फ वो नंबर्स देख के उसका ऑर्डिट करके कहता है मेरा काम इतना ही है और बिजनेस को एक्चुअल नहीं समझ रहा होता एक्चुअली सिर्फ नंबर्स का तो देख लेता है कि हाँ भाई इसके आएफ़ आए सप्लाई हो रहा है वहाँ स्टेटमेंट में डिस्क्रूज सही आ गया प्रेजेंटेशन ठीक हो गई मेरा काम इतना ही है बट हालांकि वो सारे बिजनेस के लोगों के साथ जब वो ऑडिट कर रहा होता है तो वो आप कम्युनिकेट भी कर रहा होता है तो ही शुड बी नोइंग अ लॉट ऑफ थिंग जैसे फार्मास्यूटिकल है तो उसको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट बन कैसे रही है उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेल कैसे होती है क्या मतलब वो सेल के उसमें क्या स्पेसिफिक्स हैं मार्केटिंग कैसे होती है ही शुड बी नोइंग ऑल थिंग्स जो मेरा व्यू है तो इसका मतलब जब वो ऑडिट करता है चाहे वो पार्टनर हो चाहे वो जूनियर एक आर्ट एक्शिफ्ट ट्रेनिंग हो वो शायद बिजनेस पे फोकस नहीं करता वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या अप्लाई करने है अकाउंटिंग इस्टैंड करना है और डिस्क्लोजर्स क्या आएंगे और मैनेजमेंट लेटर में मुझे क्या देना है यू टेक ऑन दिस स्पॉट ऑन मैं जब टेबल के उस तरफ बैठ के आई हैड ट्वेंटी टू ईयर्स ऑफ ऑडिटिंग एक्सपीरियंस मैंने थाउजेंड प्लस कंपनीज को काम किया है when i joined my own organization, uh -huh. i got to know uh -huh. if i were to manipulate the numbers, uh -huh. it will just take me a second uh -huh. to do it. Peak. even with 22 years of uh -huh. thorough experience, uh -huh. i've done audits which are uh -huh. large scale and chote uh chote, -huh. kokonkebi order and i realized that how much i did not know. the practical side, and i've got a fundamental issue with the education process which we've got ourselves into as in, at a large audit.

तो शायद वो फंडामेंटल uh, चेंज आ रहा है अब पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे बीन डूइंग नॉट द टिक टिक बॉक्सिंग एक्सरसाइज तो शायद इस वजह से चेंज जो है अब ज़्यादा आपको नजर आएगा कि पीपल विल स्टार्टेटिंग इन आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट एंड टेकिंग द चैलेंज अच्छा मैं अगर सी के अलावा भी बात करूँ तो हार्डवर्ड से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स निकलता है एज कम्पेयर टू एम यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान हालांकि हम यहाँ पे एम के साथ काफ़ी वो टैक्स भी लगा लेते हैं कि एम बी एंड एंटरप्रीनियोरशिप और मुख्तलिफ ना उसके बावजूद भी जो ट्रेंड है जो हमारा जो माइंडसेट है या इवन जो टीचर्स हैं जो हमारे सीनियर्स हैं वो सब एक डिफाइंड है कि आप एमबीए या आपने जो क्वालिफिकेशन करनी है तो आपको हम तैयार कर रहे हैं जॉब के लिए ठीक है तो बच्चे को भी ये बात पता होती है और उसके सीनियर्स या जो जहाँ पे वो अप्लाई करता है उसको भी तो मेरा ख्याल है ये एक माइंडसेट एक ओवरऑल हमारा बना हुआ है एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि इसमें चेंज आ रहा है बट दैट इज ओनली ड्यू टू फ्री लांसिंग राइट तो फ्री लांसिंग पर बात करते हैं वाई डिड यू स्टार्ट प्रोवाइड ऐसा क्या था आपके जहन में क्यों आपने सोचा कि आपका भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए आई सो अ गैप इन द मार्केट Um, I still think that professional services as a whole is very fragmented market huh. um, and I mean what I mean by fragmented market is um, uh, Service has been delivered but in patches, you know ek one-stop shop People use this term rhetorically barbaric one-stop shop, but it's not a one-stop shop You go for expert opinion with certain companies in a certain manner Up fragmented market milti or a segmentation. They तो हर किसी पर्टिकुलर वर्टिकल के अंदर बीड आई टी बी एड मार्केटिंग बी एड रिक्रूटमेंट ट्रांसलेशन और हमारे अकाउंटिंग टैक्स कंसल्टिंग एश्योरेंस सब के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपके पास टॉप कोटाइल मतलब टॉप चार पाँच सात आठ दस कंपनीज होंगी इसके बाद नीचे मार्केट होगी और वो, वो बिजनेसमेंटल होगी मतलब ह्यूज नंबर ऑफ पीपल चार पाँच लोगों की कंपनीज के बहुत सारे मिलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा ऑफकोर्स विल बिल्ट नो अबाउट तो सारे के सारा काम अगर मैं टैक्स की प्रैक्टिस उठाऊँ या शोरेंस उठाऊँ या अकाउंटिंग उठाऊँ सब लोग बिग फोर के पीछे भागेंगे क्योंकि दैट्स वॉट दे नो तो अबाउट ठीक है तो, तो आपका जो नीचे एस एम ई बैठा हुआ है एस एम बी बैठा हुआ है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं पीपल विल नॉट नो वैदर दे एग्जिस्ट और दे डोंट एग्जिस्ट दो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है अगर आपके पास एक छोटी फार्म है जिसमें दस बंदा बैठा है और एक अनशन यंग है जिसमें हज़ार बंदा बैठा है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ राइटिंग अ फीजिबिलिटी स्टडी विल ओनली कम टू बिग बिग बॉयज बिकॉज दैट्स वर्ट दे बी नोन ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि वो अपॉर्चुनिटी थ्रो की जाए दस लोगों की फर्म को भी तो जब मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की, दैट्स वाई आइडिया स्टार्ट ग्रोइंग दट आई हैव द राइट केपेबिलिटी ऑल्सो परहैप्स आई मे है बी एबल टू डू इट बेटर बिकॉज आई गोट द राइट कैन फोकस बिकॉज आई गोट द नीच टीम वर्किंग ऑन इट फाइनेशियलीट पर वुड बी एबल सॉरी आई एम नेमिंग अ कंपनी सो आई वॉन्ट टू मेक इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड और फिर ऑप्शन देना चाहता था कि सपोज़ करें आपको लोगो डिज़ाइन करवाना है आपके पास एक ऑप्शन हो कि यार मैं या तो फ्री लांसर आ, मैं कहीं पे भी बैठा हूँ मैं 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 दुबई में बैठा हूँ मुझे लोगो बनाना है लोगो जो है पाँच डॉलर का भी मुझे एक पाकिस्तान में बैठा हुआ एक लोगो डिज़ाइनर भी बना देगा मुझे एक बेहतरीन सी कंपनी यू के अंदर ही बैठी हुई मुझे वो लोगो दस हज़ार डॉलर में बना के देगी बट देर इज़ नो प्लेटफॉम टू डे विच कैन गिव यू द रेंज फ्राम फ्री लांसिंग टू एक्चुअली बी टू बी पुलिंग एवरी थिंग टुगेर सो दैट्स वेयर द आइडिया केम फ्राम लेवल प्लेंग फील्ड तो नहीं है ना हमारे ऑर्डर फर्म्स में डेफिनेटली नहीं है और hmm. पाकिस्तान में तो आपके मुख्तलिफ कोई चार पाँच स्टार लगाने पड़ते हैं hmm. आपके फॉर uh, एग्जांपल आप बैंक का ऑर्डर कर ही नहीं सकते अगर आप स्टेट बैंक के पैनल पे नहीं है उसमें फिर कैटेगरीज हैं सी फिर बी फिर ए और कोई uh, मेरा ख्याल है कोई पच्चीस साल हो गए हैं कोई भी एक, एक आध कोई कैटेगरी ए फर्म एड हुई है शायद इसके अलावा कोई कैटेगरी ए फर्म बनी भी नहीं है स्टेट बैंक में मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ पच्चीस साल में सिर्फ एक से दो फॉर्म ऐड होना तो वो जो लोग पच्चीस साल से ट्राई कर रहे हैं कि हम कैटेगरी ए में आ जाएँ उनकी अपल्लीकेशन हमेशा रिजेक्ट हो जाती है आर यू गरिंग द पॉइंट तो वो क्या उनके पास क्या कॉम्फिडेंस नहीं है क्या वो सीनियर लोग नहीं है तो उससे काफ़ी जूनियर लोग आ चुके होंगे बिग फॉर्म में और जो शायद बिजनेस को उनको इतना आइडिया नहीं होगा मोस्ट प्रॉबली ठीक है आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनी पर्टिकुलर फर्म बट इट अपीयर्स लाइक दैट कि बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनको हम जानते हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसी तरह आपके क्यू सी आर रेटिंग के आपके क्राइटेरिया डाला हुआ है फिर आपका ऑडिट ओवर साइड बोर्ड भी आपने वो इसमें डाला हुआ है कि उसमें आप रजिस्टर्ड है ही नहीं है फिर हर कोई फर्म जो है वो अथोइज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो दिया दीज आर स्टार ना कि आप वन पार्टनर और फिर एक और चीज़ के आपके इंटरनेशनल एफिलिएशन तो ये शायद लास्ट स्टार जिसको आप कह लें तो ये चार पाँच स्टार आपको कैरी करने पड़ते हैं पाकिस्तान में और ये अगर आपके पास स्टार्स नहीं हैं तो यू कैन नॉट ऑडिट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप पैनल पे ही नहीं है स्टेट बैंक पे तो आप बैंक का कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है बिल्कुल नहीं है ना दैट्स दिस होल आइडिया केम अबाउट दैट वी वॉन्ट टू ब्रिंग इट लेवल प्लेइंग फील्ड लेकिन होता कि आप फ्लिपसाइट से सोचें

क्योंकि सपोज छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं फ्री हैं छोटी फर्म्स हैं ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी सिंगल वर्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट दैट्स दट एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए वन पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल कंसल्टिंग कंपनी Um, उस वर्टिकल के अंदर छोटी फर्म के पास वो अपॉर्चुनिटी पहुंचती ही नहीं है व्हाट द प्रोवाइड ऑनलाइन विल डू द अपर्चुनिटी विल बी थ्रोन एट द मिडिल एंड एनी कैन ग्रैब इट यू नो यू यू ऑफर योर यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एट द मोमेंट व्हाट हैपेंस बिकॉज मैं अगर बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ मैं मुझे एक फीजिबिलिटी स्टडी करवानी है मैं ए बी सी एंड को पे पहुंचूंगा कैसे मुझे तो पता ही नहीं कि दे एग्जिस्ट है ना अगर मैं गूगल पे भी डालूंगा कि मुझे फिजिबिलिटी स्टडी कराना है सारे बिग फोर्स के नाम आ जाएंगे या कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो एस पे खर्चा कर रहे हैं।, हैं उसके नाम आएंगे बाकी प्लेयर्स कहाँ गए तो था, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि अगर मैंने एक पोर्टल ऐसा बनाया जिसमें सब लोग रजिस्टर करा सकते हैं नाउ इट्स योर शेयर शेयर कॉम्पिटेंस विच विल विन द जॉब ऑडिट इन वन पर्टिकुलर एरिया वेर इट नीज रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री सो ऑडिट इज गोइंग टू बी ऑलवेज फनल टू दैट कंट्री

एंड um, फ्रीलांस की गिग uh, इकोनमी पे जो uh, आजकल के लोग जो नए जिसका मिलेनियल बोले थे जेन है वो अब जो है नहीं करना चाहती काम uh, जेनसी ने, ने काम करना शुरू कर दिया है अभी मतलब बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया होगा जेनजी जेन हाँ। ने तो

मर्जी से काम करना है मैं जहाँ पे भी हूँ मुझे वहाँ से काम करना है मुझे काम करना है लेकिन मुझे अपनी मर्जी से काम करना है ठीक है एंड कैंड ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनोमी इज फॉस्टर अभी जो फ्रीलांसर्स जो मार्केट में हैं ऑलरेडी बी सरप्राइज और फर्स्ट इनकम इज इज ऑन द राइज और राइटली सो लोगों को अपनी मर्जी से काम करना है तो वही दिस तरह प्लेटफॉर्म फाइवर अपवर्क टॉप टेल गुरु डन एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जॉब क्योंकि हुआ क्या है कि कमोडिटी बिजनेसिस के अंदर बहुत सैचुरेशन आ गई आपके पास ई बेज है अमेजोन है आप कुछ भी जाके ऑनलाइन खरीदना चाहते हो कर सकते हो सर्विसेज आर नाउ बिकमिंग कमोडिटाइज तो आपने बाइट साइज चंक्स में उसको बना के बेचना शुरू कर दिया तो अब लोगों पाँच डॉलर पे दस डॉलर पे लोगों को समझ में आता है कैसे लेकिन किसी को अभी ये समझ में आता कि फिजिबिलिटी स्टडी मैं कितने दस हज़ार डॉलर पे कैसे बेचूं? उसको प्राइस कैसे करूं? या लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक हाजिर होते हैं जी वेलकम बैक नाजीन जी अर्शद साहब हम बात कर रहे थे फ्री लांसिंग की और फ्री लांसिंग में आपने बताया कि कमोडिटाइजेशन की कि जैसे आपकी प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन ई से लेते हैं उसी तरह से आपका सर्विस में ये कल्चर आ रहा है तो ये इतना ज़्यादा पाकिस्तान में क्यों नज़र नहीं आ रहा यू विल बी यूजेंटली सरप्राइज दैट पीपल एज फ्रॉम सेलर स्टैंड पॉइंट इज ह्यूज कम्युनिटी आउट दैर जो uh, अपनी ऑलरेडी सर्विस दे रही है ऑनलाइन फ्राम अनियन टास्क पाँच डॉलर की एक प्रेजेंटेशन बनाने से लेके कर कोई hmm. बहुत सोफिस्टिकेटेड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट स्पेशली फि गोइन एन आई टी सेक्टर लार्ज स्केल ई आर पी इम्प्लीमेंटेशन से लेके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बन रहे हैं एंड दीज आर ऑल रिमोटली डन थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स तो इसका ऑलरेडी रुझान आ गया है hmm. इसमें प्रॉब्लम सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में जो मैं केटर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से आपको कमोडिटी है यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट कमोडिटी टेंजिबल है ये ग्लास है ये इतने डॉलर का है ये पेंटिंग है ये इतने डॉलर की है ना आपको पता है कि क्या है सर्विस बिजनेस में क्या होता है आपको डिफाइन करना पड़ता है स्कोप एंड स्कोप कैन बी वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड विद द डिजिटल वर्ल्ड दिस इज अ फेंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी कि आप कोई भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएं आपको उसको प्राइस करना आसान हो जाएगा कि अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि यार मेरी एक अकाउंटिंग करनी है मेरी कंपनी जो है वो सिर्फ चार ब्रांचेज हैं और मैं एक आईफेन भी बिजनेस में हूँ उसकी अकाउंटिंग अगर मैं तुम्हें तो पूरी आउटसोर्स करूँ तो कितने में करके दोगे वर्सेस मैं बोल रहा हूँ यार मेरे पास एक अकाउंटिंग है डोमेंट कंपनी है इस पर पाँच छः ट्रांजेक्शन होती हैं साल में तो उसकी प्राइसिंग कैसे करोगे दैट वेराइटी थ्रू द डिजिटल मीस बाई आस्किंग फ्यू रेलिवेंट क्वेश्चन लाइक द वे यू डू इट इन बुकिंग डॉट कॉम टूडे बुकिंग डॉट कॉम यू गो बोले यार मुझे रूम ऐसा चाहिए जो साफ हो ज़्यादा तो आप वो फ़िल्टर लगाते हो तो फ़िल्टर में आपके होटल्स कम हो जाते हैं आप बोलते हैं मुझे स्टार रेटिंग इतनी चाहिए तो फिल्टर और कम हो जाते हैं मुझे इस लोकेशन पर चाहिए मुझे इस प्राइस में चाहिए तो दो फ़िल्टर्स ब्रिंग्स यू डाउन द राइट कैंड एंड दिस इज नॉट इन इनशाला विल हैपन विद प्रोवार ऑनलाइन इवेंचुअली दट यू विल पुट ऑल द फिल्टर्स द वे यू वांट टू इट एंड दैन इट विल ब्रिंग यू ब्रिंग यू टू दैट स्पेस ऑल्सो तो आइडिया यही है कि पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत रुझान बढ़ रहा है और गिग इकानी इज़ बूमिंग एट द मोमेंट और इसीलिए जो है ना फाइबर की एक्सटेंडेड वर्जन समझ लें वी एर क्रिएटिंग जिसमें हम हाँ, फाइवर से ज़्यादा फाइवर इज जस्ट लिमिटेड टू फ्रीलांसिंग वी आर टेकिंग इट टू द बी टू बी मॉडल ऑल दो फाइवर इज ऑल्सो कमिंग टू बिजनेस साइड एज वेल बट आई वेलटो एक इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है जहन mm -hmm. में uh, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए mm -hmm. आप चाहते हैं वो फास्ट भी हो mm -hmm. गुड भी हो और चीप mm -hmm. भी हो mm -hmm. uh, मैंने जितनी भी स्टडीज की हैं ये तीनों एक साथ पॉसिबल नहीं है यू कैन नॉट हैव ऑल दीज थ्री वेरिएबल्स टुगेदर अगर वो फास्ट और चीप होगी तो वो गुड नहीं होगी अगर वो गुड एंड फास्ट होगी तो वो चीप नहीं होगी ठीक है ऐसी मार्केट में आ, जब मैं ख़ास तौर पर मैं चूँकि इसको फ्री लांसिंग की दुनिया के, के लिहाज से रिलेट करना चाह रहा हूँ जब फ्री लांसिंग में देखते हैं ना तो लोगों को चाहिए चीप 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 मतलब उनको सब चाहिए कि फ़ास्ट भी हो गुड भी हो सब कुछ हो जो कि पॉसिबल नहीं है तो जो आपका जो बायर है उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है अच्छा सेलर इसमें क्या करता है जो ख़ास तौर पर मैंने पाकिस्तानी में देखा है कि वो अपनी अच्छी प्रोडक्ट को जो फास्ट और गुड भी हो उसको वो कर देता है चीप कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शुरू में कहते हैं कि फ्री में सर्विस है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे सबसे पहले रिव्यूज़ बिल्ड करना है तो रिव्यूज़ बिल्ड करने के लिए वो फ्री में भी देता है वो कम पैसों पे भी देता है ताकि जब अच्छा उसके रिव्यूज़ बन जाएँ ख़ासतौर पर अपवर्क और फाइवर में तो फिर आगे वो कर सके तो मुझे नहीं लगता कि ये सही स्ट्रेटी है मैं समझता हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और वो गुड और फास्ट है तो आप उसको चीप ना करें ये मेरा व्यू है आपका क्या एडवाइस होगी जो नया जो बच्चा है जो फ्री uh, uh, में या कोई भी एनी वन वो इज जस्ट अ बिगिनर इन फ्री दोनों दोनों सही हैं आई आई हैव ट्राइड बोथ इन माई ओन बिजनेस एज वेल सो वेन वी स्टार्ट एटीएस इज वी डन चीप प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड नाव वी आर गेटिंग इन टू सऊदी वी आर डूइंग

एंड आई डोंट टू डाउन टैट टेक्टिकार्केटिंग गुरिला मार्केटिंग इसको बोलते नहीं करूँगा मैं चाहूंगा अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाऊंगा पीपल वुड कम एंड बाई फॉर मी फ्रॉम मी बहुत स्ट्रेटेजीज वर्क फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सो आई वु आई वुड सजेस्ट गो कम्प्लीटली फ्रीली वट एवर कम्ज इन यूर ब्रेन द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज जस्ट ट्राइड आउट ये सोचते नहीं रह जाए मतलब सबसे बड़ा जो यू जस्ट गो फॉर इट और खुद तुमको मौका महल समझा देगा कि क्या करना है और फिर आप अपने दोस्तों यारों से स्टडी करके थोड़ी रिसर्च करके यू विल बी एबल टू एम्बेलिश यू नीड टू बी एबल टू इम्प्रूव लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैं जो बहुत सारे दोस्त मेरे ऑनटरप्रीनर बने थे मैं साइड ट्रैक कर रहा हूँ जो ऑन्टरप्रिनर्स बने हैं या बनना चाहते हैं और नहीं बन पा रहे उनके साथ जब भी बात करोगे बोलते हैं यार ये इस वजह से नहीं होगा अगर मैं ये किया तो ये होगा तो क्या होगा पहले सोचते हैं करते नहीं है नहीं उल्टा नेगेटिव सोचते हैं कि इट विल नॉट वर्क अच्छा मैंने कहा जब तुम फ्लिप कर दोगे थिंकिंग कि यार तुम बोलोगे यार बाई वुड इट वर्क तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरा थ्री हंड्रेड एट्टी डिग्रीज चेंज हो जाएगा आप यू विल बी एबल टू लुक एट इट डिफरेंटली तो यही शायद इसमें मॉडल है कि जो तुमको सही लग रहा है ना यू जस्ट डू इट बट डोंट सिर्फ कीप इट टू योर सेल्फ जस्ट तो दोनों में out. से कोई एक स्ट्रेटेजी अपना है ये और कीजिएगा ऐसा ना हो कि आप दोनों स्ट्रेटेजी प्राइसिंग, प्राइसिंग के साथ ले आए दोनों में से कोई एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है इधर गो चीप और इधर गो प्रीमियम प्राइसिंग ऐसा ना हो कि आप दोनों स्ट्रेटेजी साथ अप्लाई करें डेट विल नॉट वर्क राइट राइट इसी से रिलेटेड एक और मैंने के एक पोस्टर पर आता था कि जो आपका 500 डॉलर का क्लाइंट है ये चले आप 500 सौ बिना कहें फिफ्टी डॉलर का क्लाइंट है. Mm -hmm. जब आप उसको सर्विस दे रहे होते हैं तो वो 50 तरह के सवाल करता है ये है और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वालिटी भी होनी चाहिए फला भी होनी चाहिए और बड़ी मुश्किल से वो पैसे भी देता है अगर सपोज वो पोस्ट पेड है जबकि पचास डॉलर का क्लाइंट के बारे में लिखा हुआ था मनी ट्रांसफर तो कैसे ये क्या आप इसको कैसे देखते हैं कि बड़ा क्लाइंट

पचास पचास हज़ार डॉर का काम दे रहे हैं उसमें से एक जाएगा तो पच्चीस परसेंट का काम गया अगर okay. आपके सौ बंदे का काम है और उसमें से आपके दस परसेंट हाँ। भी जाएगा दस क्लाइंट भी चलेगा तो आपका दस परसेंट का नुकसान बोथ वर्क यू नीड टू बी एबल्ड मैंने कहा ना शुरू में मैं, मैं जब शुरू किया था ना बिजनेस तो मुझे सब लोग बोलते थे यार फोकस करो फोकस करो फोकस करो मैं एक बड़े अपने गुरु के पास गया हमारे अनशन के बहुत सीनियर पार्टनर होते थे Um, मैं आंचनियंग में था आई seen सीन हेम ग्रोइंग लाइक मैसेवली देगाइजेशन मैंने उनको कहा कि यार सर सब मुझे बोल रहे हैं कि यार फोकस करो well, that the द ओनली थिंग यू शुड डू इज़ नॉट फोकस यू शुड जस्ट गो विद द फ्लो सो दे शुड नॉट स्टॉप यू कि यार मैं वो काम आएगा तो मैं वही लूँगा इसके अलावा नहीं लूँगा दैट विल नॉट बी एबल टू यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट फॉर टू लॉन्ग एंड आई आई रियली अग्रीड विद दर कि जब मैं जब मैं करता चला गया दैन आई क्रिएटेड माई फोकस वाइल आई वॉज एट इट तो दोनों स्ट्रेटेजी सही है मैंने वो भी बिजनेसेस देखे हैं जो शुरू दिन से लगे हैं भाई है मुझे तो ये काम करना और इसी तरह से करना है एंड देन दे स्टिल मैनेज टू स्ट्राइक द डील तो दोनों बिजनेसेस का मॉडल सही है ओके बट चूज द वन पाथ और फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं जब आप सक्सेसफुल uh. हो जाएं कि शुरू में तो आपने कहा कि मैं हर तरह की मूवी में हर तरह का कोई भी रोल प्ले कर लूँगाजमेंट में भी आ गए लेकिन जब आप कुछ बन गए अब आप स्टार हो गए आप कहेंगे नहीं अब मैं चूज करूँगा until somebody is sort of um, born with that kind of perhaps uh, geniusness um, okay. yeah, koi luck factor bhi hota hai, kabhi kabhi aapko pehle direction mil jati but the first thing is you need to start and um, these kind of platforms, they are there, the Provider Online is there it's a, it's a uh, platform where I'm very proud of that I'm a Pakistani and I've created a platform for uh, fostering the gig economy in Pakistan I'm I'm, I'm I'm trying to become part of of the ecosystem of Pakistan. That's why I started coming to Pakistan very regularly. तो so, अब मैं जो है कोशिश करूँगा कि मैं यहीं पर इंट्रेंस होकर इस मार्केट के अंदर से ही अपने जो गोल्ड है वो आइडेंटिफाई करूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ओके okay. अच्छा एक जो अकाउंटेंट है ऐसे चार्ड अकाउंटेंट है और वो कहीं जॉब कर रहा है क्या आप उसे मशवरा देंगे कि वो साथ साथ जॉब के साथ साथ फ्री लांसिंग भी करें अपने फ्री टाइम में अगेन um, डिपेंड कर है आस्परेशन है क्या

मैं हमेशा जब बोलता हूँ ना यार मुझे कोई आके बोलता है यार मैं क्या करूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ मैं एम बी ए करूँ मैं ये करूँ वो करूँ मान यार ये सब चीज़ें जो ना है ना एंड रिजल्ट है सबसे पहले क्या है पहले ये सोचना बहुत जरूरी है वॉट डू यू रियली वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ सही है फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना जब तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा ना तो फिर सब दे ऑल बिकम मीन्स तो अगर ये बात मीन पे कन्वर्ट हो चुकी है कि कभी भी दिमाग में आया है कि यार मुझे कुछ बिजनेस करना चाहिए उसको फिर सोच को जो है ना वो माँ मारने ना दो उस सोच को जो है ना वो फॉस्टर करके सेकेंड इनकम पर जरूर काम करो फ्री लांसिंग करो कोई और काम करो कोई और सोर्स ऑफ इनकम देखने की कोशिश करो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तुम्हारे आप जहन में आया तो उसको फिर वहाँ ना मारो लेकिन अगर आप तुमने सोच लिया कि मुझे जॉब ही करनी है मेरे एक लाइफ है मुझे वही मेंटेन करना है मुझे अपने दूसरे कामों पे भी ध्यान देना है मुझे रिलीजन पे जाना है मुझे चैरिटी करनी है मुझे कोई और काम करना है दैट्स वाई आई मेंट के जब मैं डिपेंड ज़्यादातर जो मैंने सी में देखा है वो जो एक जो ट्रेंड आया था के सेकेंड इनकम तो सेकेंड इनकम मुझे ज़्यादातर नज़र आई थी टीचिंग की यानी एक जो सी ए था या इवन सी ए कर रहा होता था, था वो साथ साथ वो पढ़ाता था टीचिंग कर रहा अभी भी बहुत सारे जो हमारे सी एस हैं सेकेंड इनकम के तौर पर वो टीचिंग को देखते हैं बट आपको लगता है कि अब ये ट्रेंड जो है वो फ्री लांसिंग की तरफ भी आ रहा है आ चुका है या मज़ीद बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एंड प्लेजेंटली सरप्राइज बनेवर आई सी के लोगों को इतना शूर हो चुका है कि वो खुद ही अपनी जा प्रोडक्ट बनाते हैं अपने आप को सेल करने का तरीका आ चुका है और अभी और आ रहा है मतलब इसमें इम्प्रोवाइजेशन है लेकिन अब तो वैरायटी बहुत बढ़ गई सिर्फ आप एजुकेशन uh, पर नहीं रह गए सो मच मोर यू कैन डू एंड एंड दीज प्लेटफॉर्म्स आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैट काइंड कांड ग्राउंड लेवल फॉर ग्राउंड प्लेइंग फील्ड फॉर यू टू एक्चुअली गो एंड प्ले ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लास्टवी अटेंड कीजिएगा इसमें ब्रेक बेहतरीन रैपिड फायर करेंगे और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि मार्केटिंग और सेल्स कैसे करनी है एज अ फ्रीलांसर फ्रीलांस वेलकम बैक नाजीन जी आशर्फ साहब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि जब आप फ्री लांसिंग की फील्ड में आते हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सोशल मीडिया पे मुझे भी लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कमेंट भी आते हैं कि भाई मुझे काम नहीं मिल रहा आप वर्क पर बना तो लिया मैंने फाइवर पर बना लिया प्रोफाइल पर बना लिया और मैं एक्सपर्ट भी हूँ मुझे फिजिबिलिटी स्टडीज़ मैंने बनाई हुई है मुझे आता है काम मुझे टैक्स का काम भी आता है या जो भी पर्टिकुलर जो भी चीज़ें सेल होती है या एक लेगो लोगो डिज़ाइनर है उसको लोगो बनाना भी आता है वो कह रहे हैं मुझे काम आता नहीं है यानी उसके सेलिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स उसके पास नहीं है या वो समझना चाह रहा है कि कौन सी डिजिटल सेलिंग स्किल्स होंगी जिसको वो अप्लाई करे और जिसकी वजह से उसके पास काम आए क्या कहेंगे इसके बारे में ये जो है ना बहुत ही फंडामेंटल है फॉर एनी बडी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस इज़ अ क्राउडेड मार्केट तो क्राउडेड मार्केट के अंदर आपका फंडामेंटल काम ये होना चाहिए कि जब आप वैसे सपोज करें आप किसी पार्ट ऑफ द ब्रांड हैं जैसे जब मैं था एक पार्ट ऑफ द लुकिंग एट मी आई एम सो वर्क ऑन माई सेल्फ सिमिलरली फॉर दैट आई एक्चुअली इन्वेस्टेड इन मार्केटिंग कंपनी माई सेल्फेट टू नो अबाउट मार्केटिंग बैटर उसके बगैर काम चलना ही नहीं है तो आपका चाहे कितनी भी बेहतरीन प्रोडक्ट बना के बैठ जाए

आप लिंकटिन को यूज ही नहीं करते लिंकटिन इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म फेंटास्टिक प्लेटफॉर्म गो एंड सेल योर सेल्फ यू नो यू आर यूनिक इन योर ओन राइट यू गॉट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ट्रस्ट मी दैट सोशल करेंसी विल टेक यू माइल्स एंड दैट्स वॉट वी आर डूइंग विन प्रोवायर सो प्रोवायर इज़ नॉट द मार्केट प्लेस ओनली प्रोवायर इज अ मार्केट नेटवर्क प्लेटफॉर्म सो इवेंचुअली इट विल बी अ लिंक इन टाइप प्लेटफॉर्म वेर द फ्री लांसर विल भी एबल टू क्रिएट द सोशल करेंसी तो लोगों को जनरली एक फ्री लांसर कैसे ऑपरेट करता है वो भी नज़र आएगा इसके अंदर तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कीप लर्निंग अबाउट मार्केटिंग स्किल्स स्पॉट ऑन पॉइंट सो अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ कि पीपल मस्ट लर्न टू क्रिएट देयर ओन पर्सनल ब्रांडिंग क्योंकि branding. आपका अपना है, तो आई

वट एवर इज इन योर माइंड इन योर ब्रेन यू नो दो पीपल हुआ एक बॉस होता था वो मुझे बड़ी अच्छी टर्म देता था वो दीपल बाय फ्रॉम पीपल दे लाइक लाइकेबिलिटी फैक्टर फर्स्ट आप कुछ भी अच्छी तरह करते हैं आपने सोशल टच लेकर आना जरूरी है तो अपने आपको जो है ना जो भी प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हो ना वहाँ पे अपने आपको एक्सप्रेस uh, करना चाहता uh, है

तो वो फिर आपका रिस्पांस नहीं आता क्योंकि वही इलाम इकबाल वाली बात है दिल से जो बात निकलती है ऐसा लगती है सेकेंडली पीपल ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक अपना व्यू दिल में कुछ और होता है जब उसको लिखने जाते हैं तो वो उसका मतलब वही आप आपसे आप, आप भी मैंने कहा ना कि मुझे आप एक व्यू दें यस या नो में जवाब ना जो भी आपके अंदर से है लेकिन व्हेन यू थिंक के लोग क्या सोचेंगे तो लोगों के सोचने के चक्कर में आप ये सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा एंड डोंट यू डोंट मतलब उस आप अं, अंदर की चीज़ को बाहर नहीं लाते तो ये इसको कैसे ठीक करें कि लोग अपनी बात कॉन्फिडेंस से कहें सही है गलत कोई चीज़ नहीं होती मेरा ख्याल से आपका ओपिनियन है और मेरा ख्याल है जब लोग के कोई भी एक साइड लेते हैं तो फिर उनके रिस्पॉन्स भी आते हैं आ, कुछ लोगों के अग्रीमेंट में आएंगे कुछ लोगों के डिसग्रीमेंट में आएंगे बट डिसएग्रीमेंट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर पॉपुलरिटी Uh, मैं टेक पांच होंगली बराबर नहीं होती सर hmm. अभी आपने कहा ना डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए इट्स वाज नॉट डिप्लोमेटिक आई वाज जस्ट सेटिंग द सीन ओके तो होता क्या है इट्स जस्ट अ परसेप्शन के हाउ यू थिंक मैं आपको एग्जांपल टिपिकल देता हूँ दोनों भाई हैं यासिर और मी आई एम अ वेरी एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिग्रेसिव ऑन द गो ऑल द टाइम आउट एंड ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज़ यासिर इज वेरी मेलो वेरी सेल्फ सस्टेंड

सो um, so, जहाँ पर जीत कन्फर्म होना वहाँ पर खेलना बहुत ज़रूरी होता है कमिंग टू द बैक टू द पॉइंट एक्सप्रेशन इज़ इज़ अ डिफरेंट वर्ड फॉर यू एंड फॉर मी बट यू आर एप्सोलूटली रैं तो बोलता हूँ कॉपी करना शुरू कर दो मैं सबको इंक्रेज करता हूँ क्योंकि देखें ना अभी आप बड़े सहमे से यार मैं क्या लिखूँगा वो क्या सोचेगा मेरे बारे में क्या व्यू बनाएगा कुछ नहीं समझ में आ रहा ना किसी ने और न कहना कॉपी कर दो ठीक है शुरू करो फिर मैंने क्या बात हुई है हर चीज़ मुझे लगता है कि जो जो सबसे बड़ा जीरो टू तो वन की जर्नी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि शुरू नहीं करता वो शुरू करने के लिए कोई भी रास्ता मिले ना यू जस्ट गेट ऑन विद इट एंड देन यू विल बी एबल टू इम्प्रोवाइज अपना स्लॉट मिल ही जाएगा तुमको तो अभी पहले तो जो भी मिल रहा है ना वो कर लो मैं तो बोलता हूँ कॉपी पेज करके किसी के कोट्स जो है ना वो डाल दिया करो ताकि यू जस्ट पीपल स्टार्ट सींग के यार एटलीस्ट तुमको एक कोट पसंद तो है कुछ समझना से शुरू करेंगे वैन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर इमेज आज की इस पूरी डिस्कशन का जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि यू जस्ट स्टार्ट आपने सोचना नहीं है अब बस कर देना है लिखना है तो लिखना शुरू करो बेचना है तो बेचो फिलहानसिंग करनी है जस्ट स्टार्ट जस्ट डू इट अच्छा इसके बाद हम जाएंगे रैपिड फायर राउंड पे जी रैपिड फायर राउंड में आ, हम आपको कुछ टॉपिक्स देंगे ना वट वी एक्सपेक्ट फ्राम यू इज़ टू बी रैपिड एज वेल एज टू इग्नाइट सम फायर ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा तेज चले जाएँ कि उसमें आपने कोई जो एक फायरी कॉन्टेंट है वही रह जाए ओके सो आप रेडी हैं उसके लिए

एक ऑर्गेनाइजेशन में हो ना एक में बहुत सारी साइमन सैनिक की एक बुक है बल्कि दो बुक्स है एक है फाइंड योर वाई पहले ये लिखी फिर उसने लिखा स्टार्ट विद वाई ये वाई फैक्टर क्या है और क्यों जरूरी है आपके ख्याल से बहुत ही ज्यादा uh, फंडामेंटल टू योर थाट प्रोसेस मैं अभी आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ वाई के बगैर काम में जो जहाँ भी, भी जाएंगे ना आप यू विल लेटर ऑन फाइंड आउट किया मैं तो रैंडम किसी जगह पर खड़ा हूँ मैं यहाँ पर आया क्यों था ना जितना ज़्यादा आप वाई करते रहना अपने हर डिसीजन को आपकी क्लैरिटी बनती चली जाएगी मैं मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने करियर के अंदर पहले दिन ही बोले थे मुझे क्या करना है क्यों करना है इट इज़ बिकम सो इजी फॉर मी मैंने बहुत सारे लोगों को इस वाई की तलाश में बीच में देखा है मेरे ख्याल से वाई के बगैर काम करना बहुत जब हम बच्चे होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा हम यही सवाल करते हैं क्यों 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 लेकिन आ, जब हम बड़े हो जाते, जाते हैं।, हैं तो फिर हम बाकी डब्ल्यू सो हाउ पे फोकस करते हैं व्हाट वेयर वेन एंड हाउ वाई भूलते तो जाते हैं ऐसा ऐसा लेकिन वो बच्चा हमेशा मेरा ख्याल है हमें जिंदा रखना पड़ेगा अपने अंदर सर जी आपकी जो है व्यूज़ हैं वो ऑलरेडी इतने इतने राउंडेड है कि मुझे ऐड करते हुए भी, भी बोल रहा हूं कि मैं नहीं, क्या मैं add तो आपके व्यू के ऊपर फिर मैंने ऐड किया आप नहीं करूँगा सोचूँ आप नहीं, नहीं, आपका है। अच्छा पैशन वर्सेस क्राफ्टमैनशिप पैशन एक अंदर आग लगी हुई है और क्राफ्टमैनशिप के अपने काम में इंतहा दर्जे की महारत तो क्या चीज़ है जो एक इंसान को ज़्यादा आगे लेके जाती है आपके हिसाब से या बींग अरद गार्डेड आप किस चीज़ को तरजीह देंगे पैशन एक अंदर की आग मैं उसको अपने अल्फाज में रजुमा कर रहा हूँ पैशन का मतलब अंदर की आग नहीं होता अगर आप उर्दू डिक्शनरी देखें बट मेरे हिसाब से ये एक आग लगी हो और क्राफ्टमैनशिप के अपने काम में बिल्कुल जो एक एक ज्वेलरी मेकर नहीं होता जो एक छोटा छोटा सो चीज़ें जो एक हीरा भी रखना है तो बिल्कुल बारीक बीनी के साथ क्या चीज़ है? मुझे आ, मैं दो तीन जगह प्रेजेंटेशन पहले भी दी थी कि मुझे बोलते थे कि यार कुछ नहीं समझ में आ रहा ना चलो बिज़नेस कर लेता हूँ मैंने बोला बिजनेस कभी कर ही नहीं सकता ऐसे मैंने यहाँ से आना चाहिए पैशन होना चाहिए एक चीज़ का इतना पावर से पैशन है। इतना दिल चाहाना चाहिए कि मैं यही करूँगा और कुछ और नहीं करूँगा तो फिर क्राफ्टमैनशिप तो बाद में आ ही जाती है आई आई एम एम इन फेवर हंड्रेड परसेंट इट्स ऑल अबाउट पैशन पैशन होगा और वैन आई इंटरव्यू पीपल ऑल्सो आई इंटरव्यू फॉर पैशन तो uh, मैं तो फाइम बिलीवर इस साइड के एक्सट्रीम वर्जन पर हूँ कि पैशन इज़ फर्स्ट क्राफ्टमैनशिप इज सेकेंड ठीक है गिविंग बैक विदाउट दैट योर नथिंग मतलब मैं रिलीजियस बहुत ज़्यादा नहीं हूँ uh, मैं पब्लिक फोरम पर इस तरह से बोलना नहीं चाहिए बट वट वट पुट दैट कम्स बैक टू यूलो तो वो अभी ई एस जी और लार्जर हम बातें yeah, भी yes, कर रहे हैं ओवरऑल यू यू वुड रियलाइज़ के इसके बगैर काम होना नहीं चाहिए तो गिविंग बैक इज़ जस्ट नैचुरल फिनिना लेट इट फ्लो नेचुरल फिनिना है आपको मतलब उसमें अल्लाह ने कहा भी है कि यार मैंने तुमको जितना दिया है तुमको आगे तुम्हारे अपने हक का रख के तुम आगे पास ऑन करना है तो चाहे वो आपके पास नॉलेज है चाहे वो पैसा है या चाहे आपकी जो है वो नेटवर्क है कुछ भी है यू नी टू गिव इट बैक टू दम्यूनिटी तो मतलब ऑन्टरप्रिनशिप uh, ऐसा है कि एट टाइम मेरे ख्याल से मैं गारंटी से बोल सकता हूँ नाइनटी परसेंट प्लस लोगों को दिल में आता हुआ यार अपना बिजनेस होना चाहिए था ना। वो जब भी ख्याल आए ना तो उसको छोड़ना नहीं है आपने ऑन्टरप्रिनशिप के जो पर्कस हैं मेरे पास अभी एजिलिटी है hmm. मेरे पास अपनी एक्सपेरिमेंटल के लिए जितनी जगह है मैं मतलब इज माईस्टर आई कैन पिक एंड आई एक्चुअली अर्निंग मच मोर मनी माई लाइफ सर्विस प्रोवाइडर तो अगर आपके पास सारे फंडामेंटल बॉक्स टिक हो रहे हैं तो व्हाई नॉट ऑनटरप्रिनरशिप इवेंचुअली मेरा भाई ये छोटा अब्दुल्ला गाड़े तो मिस्टिक सोशल मीडिया चलाता है उसने कॉलेज के निकलने के बाद दो बंदों ने लैपटॉप पकड़ा उन्होंने काम शुरू कर दिया वर्सेस वर्सेज मैंने ये डिसाइड किया कि आई वांट टू ग्रूम माय सेल्फ इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टू बी एबल टू मेक अ बिगर इम्पैक्ट इवेंचुअली बट बोथ आर फाइन ऑनटरप्रिनरशिप मेरे ख्याल में, में सबके जो है ना एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में एग्जिस्ट कर, करनी चाहिए लास्ट बट नॉट लीस्ट यंग पॉपुलेशन पाकिस्तान की कोई परसेंट पॉपुलेशन अप

तो दैट विल बिकम एन अट अदरवाइज देट विल बिकम अ डिजास्टर फॉर यू टू बी एबल टू कंट्रोल तो हमारे पर एज अ सोसाइटल है कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर पाएँ तो हमें so, जो ए, होते है होते हैं गवर्नमेंट के वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए हमारे जैसे लोगों के इनिशियटिवज़ अच्छे होने चाहिए उनको अगर हमने चैनलाइज़ कर लिया सही तरह से तो दैन दे विल बिकम दियो ऑफ द होल कंट्री अब आप चूंकि आपने गिविंग बैक की बात की आप आपके अंदर ये आपने प्रोवाइड भी बनाया है फ्री लांसिंग पे काम कर रहे हैं यंग पॉपुलेशन को लेके भी आप चाहते हैं कि वो डिविडेंड बने अब वाई फैक्टर पे भी काफ़ी आपके ऐसे सवालत हैं नाउ आई वॉन्ट टू आस्क फॉर समथिंग वुड यू एबल वुड यू बी एबल टू गिव सम ऑफ आवर्स अब वो कभी ज्यादा कभी कम भी हो सकते हैं फॉर मैंटोशिप ऑन सी एफ ओ क्लब प्लेटफॉर्म लव ट i was uh, yesterday only been asked to do this by by a. c. c. a. लेकिन हम आपसे लेंगे इन्हीं चीज़ों पर जो आपके एक्सपर्टीज़े हैं फ्री Absolutely. लांसिंग पे और आपसे सीखेंगे लोग मैं भी सीखूँगा और बाकी और भी बहुत सारी जो कम्यूटी जो सीखना चाह रही है क्या ख्याल नाजीन हमें आप भी चाहते हैं यासर गाड़ी से मैंशिप करें फ्री लांसिंग के हवाले से अगर चाहते हैं तो मुझे या तो लिंक इन पर बताइए या एट द रेट शहजाद डे डी पे ट्वीट कीजिए थैंक यू अर्शद साहब एनी थिंग एनी मैसेज एनी थिंगीव Um, uh, एक ही चीज़ है गाइज यू यूनी टू जस्ट गो फॉर दोमेंटम गो विद द मोमेंटम गो विद द फ्लो जो भी सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है यू जस्ट नीड टू ग्रैप इट ये सोचते रह जाना कि यार कब राइट right मोमेंट होगा मेरे पास अच्छे पैसे हो जाए मेरे पास अच्छी स्टेबिलिटी हो जाए मुझे बस ये एक और काम कर लूँ इसके बाद मैं शुरू करता हूँ इट विल नेवर हैपन यूनी टू जस्ट गो एंड ग्रैप द अपॉर्चुनिटी एज़ इट अराइज जब दिल में ये ख्याल आना शुरू हो जाए कि यार कुछ और कर लेता तो बेहतर होता द एब्सोल्युटली द राइट मोमेंट फॉर यू टू टेक एन एक्शन थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया uh, आशद साहब uh, आइंदा कभी किसी और किसी और प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होती है नाजीन आज बस इतना ही इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू वेरी मच